हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। फ्रेंड्स दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे कम बैक करने बोल रहा था। इसलिए मैं इस बार सोचा कि चलो एक खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक खुशखबरी मिल चुका है। अगर नहीं मिला है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आप फ्रेंड्स एंड तक। और दोस्तों, शायद आप लोगों को बेल्टोन ने खुशखबरी दे चुकी है। शायद आप लोग को पता ही चल गया होगा कि बेल्टोन द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर न्यू रजिस्ट्रेशन हेतु। फ्रेंड्स, आपको इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारे लोग बार बार कमेंट किया करते थे कि भैया बेल्टोन की डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी कब आएगी, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे स्टेनोग्राफर की कब आएगी। तो स्टेनोग्राफर की कुछ दिन पहले ही आ चुकी है फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप जाके देख सकते हैं। और अभी जो फ्रेंड्स बेल्टोन ने और एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले न्यू वैकेंसी की जिक्र किया गया है, जिसमें आपको फ्रेंड्स 20 फरवरी से आपको जो है रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, बारीकी से करना है फ्रेंड्स, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। एडवांस में आपको कुछ नहीं फ्रेंड्स, तैयारी करना है इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी रखना है फ्रेंड्स कंप्यूटर के बारे में, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में आपको जो है स्पीड रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, मैक्सिमम कितना रखना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा आप एंड तक। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बेल्टोन की नोटिफिकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सूचना यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको 20 फरवरी मंगलवार को यहाँ पे जो है लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स। तो 20 फरवरी को आप कभी कहीं साइबर कैफे में जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन खुद करने से पहले एक बार बारीकी से आप देख लेना फ्रेंड्स कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 10+2, ठीक है, उसके बाद एक साल का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद 400 घंटे का डीओ डोमेस्टिक डाटा इंटरप्रेटर योग्यता यानी शैक्षिक योग्यता आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उम्र आपका 18 से 59 रखा गया है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो ऑनलाइन फी जो कितना लगने वाली है वो आप यहाँ देख सकते हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये रखा गया है, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार के लिए 250 रुपये रखा गया है, और दिव्यांगों के लिए 250 रखा गया है, और जनरल आरक्षण कोटी एवं सभी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर जो है 1000 रुपये रखा गया फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट पे आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसमें आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि चलान आपको ऑफलाइन करेगा फ्रेंड्स, ये पेमेंट जो होगा फ्रेंड्स ये आपका ऑफलाइन होगा। 1050 आपका बैंक जो है आपको चालान काट के देगी, उसके बाद आपको जो है चालान सबमिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। परीक्षा का सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, और हिंदी टाइपिंग में क्या क्या लिया जाएगा, कितना कितना टाइम का लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो MCQ आपका जो है फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आपको 50% यानी कि 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30 अंक नहीं लाते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के कुछ अंतराल यानी कि हाफ घंटे में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में,
हिंदी में आपको फ्रेंड्स मैक्सिमम आपको 25 लाना है और इंग्लिश में 30 लाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, करेक्ट वर्ड। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फ्रेंड्स अभी हिंदी में आपको जो है रेमिंगटन गेल यानी कि रेमिंगटन गेल फोन में जो है आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और हिंदी नॉर्मल वही इंग्लिश इंग्लिश में वही है नॉर्मल, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी में आपको रेमिंगटन गेल में लेगा, ठीक है, जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है निर्धारित दक्षता स्तर पर महिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थी को 15% की अधिकतम दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संचालित की जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ महिलाओं को अनुसूचित जाति जनजाति को 10% मिलेगा और दिव्यांगों को 15% मिलेगा आरक्षण फ्रेंड्स, ठीक है इसमें। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी टाइपिंग परीक्षा में प्राप्त अनुसार मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभाग कार्यालयों निकाय एवं प्राप्त अधिसूचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आपका लाभ दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको जब नियुक्ति की जाएगी तो उस समय आपको जो है 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही आपको नियुक्ति की जाएगी। यानी कि पैनल से आपको जब लिया जाएगा फ्रेंड्स, मान के चलिए कि कोई विभाग से 10 रिक्तियाँ आती है बेल्टन के पास, ठीक है, तो उस 10 में से 5 का जो है फ्रेंड्स ST ST का बुक रहता है, बाकी जो है जनरल कैटेगरी BC1 BC2 के लिए ही होगा, ठीक है। और आरक्षण रोस्टर में सबसे पहले आपको जो है डिस्ट्रिक्ट आपको देखा जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके बाद आपको कौन सी कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से आपको नियुक्ति की जाएगी अपने जो भी जिला है, ठीक है। तो उम्मीदवार को फॉर्म भरने से पूरी ही सावधानी बरतनी चाहिए फ्रेंड्स। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने पर स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि गलत आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो या फिर गलत कोई भी जानकारी आप अंकित करते हो तो उसमें आपको सारे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन देगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए जो है जब भी अप्लाई करोगे तो उसमें आप सारी चीज़ें सही से भर के ही अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट पर आपको सूचनाएं मिल जाएगी। यानी कि जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया या फिर आपका रिजेक्ट हो गया तो आप वहाँ से फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा। और जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहाँ पे मेल आएगा या फिर वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे तो अगर आपको खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर साइबर कैफे में जाइएगा, सारा कुछ आपको कर देगा, ठीक है। इसमें यही चीज़ें हैं कि फ्रेंड्स आपको जो है MCQ थोड़ा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ज़रा एडवांस नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे MS Excel वगैरह जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे आप चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, मैं आप इस तरह ही वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और टाइपिंग में फ्रेंड्स जो है आपको हिंदी में, तो हिंदी में फ्रेंड्स आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जो कि रेमिंगटन गेल में आपका लिया जाएगा। और इंग्लिश आपको तो नॉर्मल है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हिंदी में आपको जो है रेमिंगटन गेल में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा रेमिंगटन गेल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को।